गोड़ातन हेरा से अभिनंदन में लोग अपना कार्यक्रम जो का नाम हो खूंटा ठोक के। बिहार में पल पल बदलत राजनीति में जो नया एगो मोड़ आ गया बा वह मोड़ में कहीं ना कहीं अब एक बात के साफ साफ नजर आ रहा बा कि तेजस्वी यादव और खास करके RJD ये बात के समझ गई बा कि अब वो एक स्टेप भी नीचे ना उतरी हैं। समझौता उनका सर्प करे के पड़ी ये बात रुआ लोग से लगातार हम कहते हैं, लेकिन अभी जो बात कहे जा रहा बनी वो बात के पीछे बहुत सारा कारण बा। नया जोन राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भइल बा ओकरा में कहीं ना कहीं अब शरद यादव जोन की लगातार लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के पीछे पीछे उनका साथे चले खातिर तैयार रहे हैं। जोन एक उनका सीट मिला रहे ओकरा साथ साथ वो अपना पार्टी LJD के भी पूरी तरह से तिलांजलि दे दिले। ओकरा बावजूद भी उनका मन में बहुत तरह के बात रहे। वो लोग को मालूम हुई कि शरद यादव वो नेता हुए जोन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के एक लंबा समय से साथी रहल बड़े और सारथी भी रहल बड़े। आज नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बाड़े तो ओकरा पीछे उनकर बहुत बड़ा हाथ रहला, और अगर कोऑर्डिनेशन भी बना रहे 2015 में तो ओकरा में भी शरद यादव के बहुत बड़ा हाथ रहे। शरद यादव एक बार फिर जब 2017 में नीतीश कुमार अपन डिसीजन ले ले कि हम महागठबंधन छोड़ के NDA में जाइ, वही घड़ी मामला गड़बड़ा गई और वो घड़ी पूरी तरह से लालू प्रसाद के समर्थन में और तेजस्वी यादव के हक में खुल करके सामने आ गई और वही घड़ी अपन वो अलग से पार्टी के भी निर्माण कर ले। वो निर्माण के बाद लंबा समय से कोऑर्डिनेशन के बाद चलता रहा और कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से मिलने के बाद उनका मन में यह बात के संतुष्टि भई रहे कि अब वो लालू प्रसाद के जगह पर RJD के खेवनहार के रूप में काम करी हैं। हालांकि RJD में बहुत सारा खेवनहार बढ़े, एक लंबा फहरिस्त बा लालू प्रसाद के समय के नेता लोग के जौन की RJD के आगे लेकर के चला था। शरद यादव भले ही LJD बना करके और फिर पुनः वापसी कैले जन उनका इनाम भी मिलल, उनका एगो सीट मिलल, लेकिन वो से संतुष्टि न रहे। राज्यसभा चुनाव में बहुत लोग के आशा रहे कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ऐसा फैसला करी हैं जौन फैसला पुरनका लोग के सम्मान सम्मान दही या उनका एक बार फिर से सदन में जाए के मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा ना भई। एक बात से बहुत तरह के बात सामने आ गई। कांग्रेस भी खिसपीत में रहे, वो लोग को पता बा कि कांग्रेस एकरा के लेकर के राज्यसभा के लेकर के बड़ा गुस्सा में रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ एक समझौता हो गई क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोनो विकल्प नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना सकेला, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के छोड़े के स्थिति में नहीं खन, और तीसरा मोर्चा में उतना कह जाला बानर के झोंझ में वह में उजाइल नहीं चाहत। अब एक गलत और सुबह लोग मत लगाई, वो सिर्फ एक कहावत बुड़ू है। अब स्थिति सामने ही आ गई बा कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो स्थिति रहे जो ना तरीका रहे वो तरीका में कोऑर्डिनेशन बनावे के बात करते रहे, जोना से तेजस्वी यादव पूरी तरह से इनकार कर दिले काहे खातिर कोऑर्डिनेशन और केकरा खातिर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तब न बनेला जब कोई त्याग करे खातिर तैयार होके। कोऑर्डिनेशन तब बनेला जब मन मिजाज एक लेखा मिले, बिना कोनो कारण के अकारण ही आपस में अगर कलह हो जाए, विद्रोह हो जाए, लोग एक दूसरे के प्रति अपन अपन प्रत्याशी खड़ा करे लगे तो कैसन कोऑर्डिनेशन, कैसन गठबंधन। ये बात लगातार चल रहा बा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपना के वही खातिर तैयार कर रहा बा। तेजस्वी यादव के जैसन कि लोग पहले बतौनी कि तेजस्वी यादव यह बात खातिर रिजिड हो गए बड़न, एकदम डिटरमाइंड हो गए बड़न, अपना मन में ये बात बैठा ले बड़े, गिरह बांध बांध के उरच उरच के बांध ले बड़न कि जे उनका शर्त पर उनका साथे चले खातिर तैयार बा उनका पीछे पीछे चलो। जब उनका बुझाई तो उनका हिसाब से और बात करके उनका के दे दी हैं, लेकिन अगर कोई दबाव के राजनीति करी तो ओकरा खातिर तेजस्वी यादव बाहर के रास्ता दिखा सकले। कुछ समय वालों के पता हुई कि बाहर के रास्ता नो एंट्री के बोर्ड वगैरह लगौले रहनु नीतीश कुमार खातिर, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर बा। 2020 के चुनाव में जिसने कि वालों के लगातार भारत लाई भी बात बता रहा बा और भीतर खाना से निकाल कर खबर वालों के सामने रख रहा बनी, वो खबर के हिसाब से ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ रहा बा कि 2020 के चुनाव में भी बहुत कुछ होना बाकी बा। संभावना व्यक्त कर जा रहा बा कि 2020 के चुनाव में जौना तरीका के अलग अलग कोण बन रहा बा, वो कोण में अगर एक व्यक्ति के, एक दल के, एक धड़ा के अगर पूर्ण बहुमत ना मिले, एकरा पर कोनो बहुत संशय ना होके चाहिए।
कारण कि एक तरफ अभी अपन पत्ता पूरी तरह से बंद करके रख ले बाड़न प्रशांत किशोर, 1 करोड़ लोग के 3 महीना के अंदर में जोड़े के उनकर प्लानिंग, ये को सही मजाक खातिर तो करत नहीं खन, हंसी मजाक तो भोईनाए में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उहे काम हुई जौना काम के लेकर के 2020 के चुनाव में सब लोग सामने जाई। दूसर का चीज कि अगर रुआ बात करतनी तो पुष्पम प्रिया चौधरी के भी बात कर ली, चूंकि उनका कहा छोड़ रुआ उहो कहता रही कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार बनी और पैसा रुपया खर्चा कर रहा बड़ी, पैसा रुपया नहीं खर्चा कर, अपना के ऊपर चढ़ावे खातिर अपने के लगातार मीडिया में बना के रखे खातिर वो कई तरह के प्रयास भी कर रहा बड़ी, अखबार के सुर्खी में, मीडिया के गलियारा में, सब जगह उनकर लगातार पर चर्चा पर चर्चा हो रहा बा। वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लड़ाई सीधे सीधे नजर आ रहा बा। तीसरका बात समझ ली तो महागठबंधन के जो साथी नाराज बड़े जैसे जीतन राम मांझी हो गए, जिनका के सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनका दल कहिए दलस कि भाई तहरा जे कुछ भी मिलल ओकरा पीछे हमनी के बानी जा, कितना तारा मिल रहे एनडीए में तो खुद अंदाजा लगा लो, तारा के 3 गो सीट दे करके लोकसभा में हमनी के पूरा सम्मान देने जा जौन कि तू कभी ना ले सकत रह एनडीए से, एकरा पहले भी एनडीए में रह तारा काम मिल रहे तारा खुद पता बा, एकरा साथ तारा पुत्र के भी हमनी के देने जा, इहो खबर हुआ लोग देखौले रही। अब सवाल उठत रुए बाकी के जौन लोग बा, कांग्रेस के साथ तो समझौता गाहे बगाहे कम बेसी 19-20 कह के हुई जाए, आज जेडी बात खातिर पूरी तरह से डिटरमाइंड बा और कांग्रेस भी अब यह बात के समझ गई बा, आला कमान के जो फरमान आई बा ओकरा हिसाब से कांग्रेस भी बात समझ के एकदम पूरी तरह से ओकरा के गिरा बांध के रख ले बा कि ओकरा आखिर अंततः जाए के आरजेडी के साथ ही बा, तो आरजेडी के साथ दुश्मनी काहे खातिर जो डिमांड रहे डिमांड के रख करके और फिर चुप हो गई ले। आवे वाला एमएलसी के चुनाव में देखबे करो कि का हुई, एमएलसी के चुनाव में भी अब स्थिति बिल्कुल विकट हो रहा बा, जहाँ एक तरफ सत्ता में बैठल लोग से लोग नाराज बा, कर्मचारी नाराज बड़े, बहुत सारा स्थिति बा, शिक्षक लोग तो कहिए दिले बा कि हम समर्थन करब, ये सब बात भी रुआ लोग देखल नहीं जा, लेकिन अब स्थिति ऐसा बा कि जो एमएलसी के चुनाव हुई ओकरा में बहुत सारा आशा लगा के रखले रहे हैं बहुत लोग, हो सकेला कि जीतन राम मांझी फिर दबाव के राजनीति करत होकस, कभी जा करके मिलत रहन नीतीश कुमार से, कभी जाके मिलत रहन बीजेपी के लोग से, कभी कुछ कहता रहन, कभी पप्पू यादव के साथ मीटिंग करता रहन, कभी तीनों जना के अलग बुला करके मीटिंग करता, ये सारा मीटिंग के दौर से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कान जरूर खड़ा हो गई बा, और यही कारण बा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो मांग पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिले, और खारिज कैल के बाद वो स्पष्ट तौर पर बात कह दिले बड़े कि अब जेकरा जुड़े के बाद जेकरा साथ में रहे के बाद उस साथे आ जाओ, बाकी के लोग के हम कोनो कोऑर्डिनेशन कमेटी केकरा खातिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के बा, जबकि खुद हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार बनी तो फिर केकरा खातिर कोऑर्डिनेशन कमेटी, अगर कोई दावेदार बा तो अपन अलग रास्ता अपन डफली अपन राग अलापो। ये बात के लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जौन की तेजस्वी यादव के साथ कहल जाते उनका बहुत नजदीकी बा, उनको संगे कहीं ना कहीं अब एक दुराव हो गई बा। ये सब बात के लेकर के सबसे बड़ा अगर कोई एकरा में ज्यादा विरोध के स्वर उठा रहा बा या जेकरा से सबसे ज्यादा खिसियाल बन तेजस्वी यादव और आरजेडी बा मुकेश सहनी, कारण कि मुकेश सहनी बिल्कुल नया दल रहे हैं, जीतन राम मांझी के सब कोई जानत रहा कि कभी ठंडा कभी गर्म होत रहे, उनका खातिर बहुत बड़का बात ना रहे, लेकिन मुकेश सहनी जौन काम कैले मात्र 1 साल के पार्टी और तेजस्वी यादव के सीधे सीधे चैलेंज कर दिले, ये बात कहीं से पचे वाला ना रहे, और यही कारण बा कि जे जे मुकेश सहनी के साथे रहता ओकरा ओकरा से खिस कई गुना बढ़ जाता, रुआ जानते नहीं कि रुआ दुश्मन के साथे अगर कोई दोस्ती गांठे रुक अपने कहे ना होके ओकरा पर रुआ कितना खिस बरी, वैसे ही खिस बरत रुए तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद के भी, मिले खातिर कई हाली लोग आग्रह कैलस लेकिन लालू प्रसाद साफ मिले से इनकार कर दिले बड़े, वही तेजस्वी यादव भी मिले से इनकार कर दिले बड़े, रुआ लोग के पता बा कि कोऑर्डिनेशन ना बने के कारण ये बा, आखिर कोऑर्डिनेशन बनौला के बाद भी का जरूरी बा कि ये लोग बात मनबे करी, अगर कोऑर्डिनेशन के बात रही तो ये लोग अलग से चुनाव काहे लड़ल, उपचुनाव में अगर ये लोग ना लड़ रही तो और मजबूत एक संदेश जाइत, हालांकि अपना बदौलत कहीं ना कहीं आरजेडी नीतीश कुमार के पटकनिया देवे में सफल रहे उपचुनाव में, राज्यसभा में भी थोड़ा मुंह मोड़ा विरोध करके कांग्रेस भी चुप हो गई, लेकिन बात मनलस आरजेडी के ही, अब आरजेडी
यह बात के अंतिम दौर में जा रहा बा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी काहे बनाई, एकर जवाब केहू लगे नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के पीछे बा कि आरजेडी पर दबाव डाली लोग, और दबाव डालला के बाद एक बात के हमेशा संशय बनल बा जौन कि बार बार वो लोग से कह रहा बानी और एक भीतर खाना में भी चल रहा बा, कई गो आरजेडी के वरिष्ठ नेता के जौन कि कोर कमेटी में शामिल बहन निर्णय करे वाला लोग बा, वो लोग के कहना बा कि ये लोग के उच्च श्रृंखल लोग के शब्द बहुत बड़ा बा, ये लोग के आखिर कौन अधिकार दिया जाओ, ये लोग संगे कौना तरीका के समझौता कर जाओ, जेकर आपन ठीक नहीं खे, नीति नहीं खे, नियत नहीं खे और ना कोनो नियम बा, कब कूद के हो डाल पर बैठी लोग, कब कूद के हो डाल पर बैठी लोग। अगर ये लोग एक आध दूगो सीट कहीं मिल भी गई आरजेडी के बदौलत तो ये लोग कूदी मार करके और दूसरा संगे जा भी सकत बा, और यह बात के जरा भी संशय नहीं है। ये चलते बेहतर बा कि ये लोग नत रहे तोने बढ़िया बा। अब स्थिति जो सामने नजर आ रहा बा उ लगभग वह ना आज नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं बात ओवैसी से भी हो रहा बा, बात पप्पू यादव से हो रहा बा, बात तो और भी वाम दल से भी हो रहा बा, सब लोग से बात हो रहा बा और मिलजुल करके हो सकेला तो आम आदमी पार्टी भी आ जाए और इस सब मिलकर के 16-17 गो दल मिलकर के जिसे पहले भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्य में अलग अलग दल मिला करके 16-17 के एनडीए बनौले रहे, वैसे ही हो सकेला कि कोई महागठबंधन या फिर गठबंधन या फिर कोई नया नाम दे करके ये लोग बनावे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के तरफ से स्पष्ट हो गई बा कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के मूड में नहीं खन। कोऑर्डिनेशन कमेटी आखिर काहे खातिर, यही बात पर फुल स्टॉप लग गई बा। फुल स्टॉप कितना दिन तक कायम रहता है इहो देखे वाला बात हुई। और एक साथ एगो बात और महत्वपूर्ण बा कि चुनावी साल बा, चुनावी साल में अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के पद पर बनल रहे के बा या वो कॉन्टेस्ट में खड़ा रहे के बा तो उनका पार्टी के लोग के कहना बा कि तेजस्वी यादव के फैसला बिल्कुल जायज बा और ऐसे ही टाइट फैसला लेकर के ही कोई बड़ा गेम और गेम में बनल रह जा सकेला। एक मतलब समझता नहीं कि नीतीश कुमार से अगर लड़ाई लड़े के बा तो राउर स्ट्रेटजी नीति नियम और नियत बिल्कुल सटीक होके चाहिए। जगतानंद सिंह पर भी बहुत सारा बात भइल लेकिन जगतानंद सिंह भी बहुत ज़्यादा अनुशासित बान और फैसला पूरी तरह से मिला जुला के लिया जाता जो उनकी फैसला रुआ देख ले हो कब कि वो फैसला पर कोई भी लेकिन किंतु नहीं के हो, जौन फैसला होता वो पूरा मजबूत होता ओकरा में बदले के और पार्टी के जरा सा भी टस से मस हो कि कोनो बात नहीं के सामना। एकरा मतलब बा कि कहीं ना कहीं आरजेडी अपना के बदले के दौर में चल रहा बा और ये बदले के दौर में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो नया स्ट्रेटजी बा कि वो अपना हिसाब से अपन राजनीति के आगे लेके चलिए, जरा आवे के बा आओ, जरा नहीं आवे के ओकरा खातिर दरवाजा खुला बा। रुआ समझिए सकत नहीं कि जहाँ एक तरफ जदयू कह रहा बा, बीजेपी कह रहा बा कि सबके खातिर दरवाजा खुला बा, वही तेजस्वी यादव अपना दरवाजा पर नो एंट्री के बोर्ड लगा तरह वो लोग खातिर कि जौन उनका सर पर ना चली वो बाहर जा सकेला, सिर्फ आउट गोइंग के रास्ता बा, इनकमिंग के रास्ता बंद बा। अगर इनकमिंग करे के बा तो वही रास्ता से आवे के पड़ी जौन रास्ता में तेजस्वी यादव अपना लगे ताला चाबी रख ले बड़े। बहुत कुछ अभी बिहार के राजनीति देखे के मिली और 2020 के चुनाव अभी बहुत कुछ रुआ सामने नया नया विकल्प रखी। कैसन लागल जरूर बताई सबे कमेंट बॉक्स रहुए लोग के। अगर रुआ अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो एक मतलब समझ नहीं कि रुआ बहुत कुछ मिस करता नहीं, ढेर ऐसा खबर बा जो लोग तक नहीं पहुँच पाओत। अपना हित नाता गोतिया पटदार सही से लेह जे भी बा ओकरा से जरूर सब्सक्राइब करवा ली और बगल में घंटिया बा तना के दबवा देव तो मुफ्त में सेतिया में एकदम बिल्कुल फ्री में रुआ लोग के सब खबर घरे बैठल प्राप्त हुई। फिर कल ऐठे मुलाकात हुई जनक नाम हो खूंटा ठोक के गोड़ लगा दें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।